अल्लाह पाक, मुराद की जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, वो ख़त्म कर दें। मुराद को इस परेशानी से निकाल दें। आमीन। सुबह सुबह कर रही हो अपने शौहर पर? ये मेरा और अल्लाह का सीक्रेट है। अच्छा, मतलब हमारे साथ भी सीक्रेट होंगे? जी, आपको कोई एतराज है? नहीं, अल्लाह का मामला है, मुझे क्या एतराज होगा। तो फिर हाथ छोड़िए ना, आपके अलावा और भी बहुत सारे काम है मुझे। मेरे अलावा? मेरे अलावा और कोई काम नहीं हो सकता, नहीं छोड़ूंगा हाथ। बेटी नहीं चाहिए? वो तो चाहिए। तो उसके लिए जाना पड़ेगा, आपको हाथ छोड़ना पड़ेगा। अच्छा जनाब, ये ले, छोड़ दिया। जाए, अभी लेकर आती हूँ। आपके कहने पर मैं यहां भी आ गई और आपका मशवरा भी सुन लिया। अब एक मशवरा आप भी मेरा सुन लें। अपने दिल में थोड़ी सी जगह खाली करके ना मुझे आबाद कर लें, क्योंकि अगर मैं आपकी जिंदगी में खुद दाखिल हुई ना तो बर्बाद कर दूंगी हर चीज को। मैं खुश रहूंगी तो आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो अनीशा भी खुश रहेंगी। सोचें तो, आप चाहते हैं कि वो आपसे रूठकर हमेशा के लिए यहां से चली जाए? खैर, मैं क्या कह रही थी, क्या सुबह मुझे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर चलेंगे? ले जाएंगे ना, क्योंकि मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। मैं चाहती मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी दिखूं। अब आपके होने का कोई तो फायदा होना चाहिए ना मुझे। मैं इस मसले से उलझने के बजाय हल भी तो सोच सकता हूं। इसके कई तरीके होंगे, जैसे कि हाँ, मैं रूही को किसी अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट करा देता हूं। जिस पर यकीनन अनीशा को भी कोई एतराज नहीं होगा। और रूही के पास ये बहाना भी नहीं होगा कि वो बेसहारा है। ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करूंगा।